हेलो गाइस, दिस इज विजय पोटेकुदु। आज हम बात करने वाले हैं फिर से नए टेक न्यूज़ के बारे में सेक्शन इन द न्यूज़ में। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि आज गूगल ने लॉन्च किए थे। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है पिक्सल बुक, गूगल के बर्ड्स जिसे पिक्सल बर्ड्स कहता है, गूगल स्टेडिया और साथ में गूगल का नेस्ट। काफ़ी बड़ी लाइनअप उन्होंने आज लॉन्च कर दिया। तो स्टेडिया अवेलेबल होने वाला है 19th of October से, जो कि एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब आप किसी भी स्क्रीन पर गेम को एंजॉय कर सकते हो इस स्टेडिया की मदद से। अगली न्यूज़ निकल करते गूगल, अगली बात हम करते कि गूगल पिक्सल बर्ड्स के बारे में। सो 5 hour का इनका टॉक प्लेबैक है, कंटिन्यूस प्लेबैक होने वाला है। और जो एप्पल का जो एयरपॉड्स का जो केस आता था कुछ उस तरह उसका केस है, अगर आप उसका यूज़ कर दे तो आप 24 hours तक उसे यूज़ कर पाओगे। ये अवेलेबल होना है 2020 से। कीमत है तकरीबन 14,000 rupees, जो कि मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, डॉलर्स में कीमत बताई गई थी। पिक्सल बुक 13 inch का होने वाला है, जिसके अंदर सिर्फ वेट होने वाला है उसका 2 pound तकरीबन 1 kilo के आसपास, 1 kilo के आसपास। कीमत शुरू होती है इसकी $649 से और जाती है अप टू $1399 तक। गूगल के नेस्ट के जो सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए उनसे सबसे बेस्ट, मतलब जो गूगल का मिनी स्पीकर था वो आपको मिलेगा तकरीबन $3,430 के अंदर। सो $49 इसकी प्राइस रखी गई है। October 22 से ये अवेलेबल हो जाएगा फॉरेन कंट्रीज़ में। इंडिया के सारे लॉन्चेस बाकी है। Pixel 4 लॉन्च कर दिया है, Pixel 4 और Pixel 4 XL। Pixel 4 आता है अपने 5.7 inch के स्क्रीन साइज़ को लेकर और Pixel 4 XL आता है 6.3 inches के डिस्प्ले के साथ, जिनका PPI है 537। 6 GB की रैम सारे फोन्स में होने वाले, 64 और वो 28 GB की स्टोरेज आपको मिलने वाली है। 18 watt की चार्जिंग होने वाले, IP68 डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन के साथ ये फोन्स आने वाले। Realme X2 Pro लॉन्च हो चुका है चाइना के अंदर, जो कि था स्नैपड्रैगन 855 Plus को लेके। फुल HD+ डिस्प्ले, HDR10+ का सपोर्ट है, सुपर AMOLED फ्लूड डिस्प्ले, 90Hz का रिफ्रेश रेट है। 27,200 इसकी कीमत रखी गई है चाइना के अंदर। जब इंडिया में लॉन्च होगा तो काफ़ी कम कीमत में लॉन्च होगा। और इसके वेरिएंट्स है 6 GB, 8 GB और 12 GB। सो इन वेरिएंट्स के अंदर जो सबसे पहले वेरियंट है 6+64, तो 64 के अंदर आपको मिलेगा UFS 2.1 का स्टोरेज और लेकिन 128 GB, और उसे बड़ा वाला जो 256 GB वाला वेरियंट होने वाला है वो UFS 3.0 के फास्ट स्टोरेज के साथ आने वाला है। सो अगर आप रियलमी X2 Pro कंसिडर करना चाहते हो लेना, तो 8+128 GB का वेरिएंट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि UFS 3.0 का स्टोरेज उसके अंदर मिला तो काफ़ी स्नैपी सा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। 4000 mAh की बैटरी, NFC का सपोर्ट, 50 watt की चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग है, जो कि सिर्फ आपके पूरे फ़ोन को सिर्फ 35 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देगी। सो ये टक्कर देने वाला है OnePlus को। अगली न्यूज़ निकल के आती है विंडोज़ को लेके। विंडोज़ ने लॉन्च कर दिया अपना टेम्पर प्रोटेक्शन। जल्दी से जाके विंडोज़ को अपडेट कर लीजिएगा, टेम्पर प्रोटेक्शन ऑन कर लीजिएगा। ये आपको बैंकिंग के फ्रॉड से और जो एक नया मालवेयर लेके आता है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आपने अगर देखी नहीं तो प्लीज़ पीछे जाके उसे देख लेना। सो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड पीस।